हेलो गाइस, वेलकम टू एम बी गेमिंग वाइटी 2.0। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने फेक पिक्सेल के आइलैंड पे आ चुका हूँ गाइस। और आज मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत बड़ा चून लग चुका है गाइस मुझे, और मैं लिटरली गाइस गरीब बन चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं कितना ही गरीब हूँ देख सकते हैं, सिर्फ मेरे पास एक हेबल नहीं व्हीट मिनियन है गाइस, और पीछे कुछ और ही है। तो सॉरी गाइज, ये मेरा आइलैंड नहीं है गाइज, ये एक प्लेयर वरुषभ गेमिंग का आइलैंड है, और मैं इस आइलैंड पे कुआप हूँ। और इनके पास अभी है कॉबल स्टोन मिनियन, और वो एक भीड़ मिनियन है गाइज, और ये अभी एक न्यू प्लेयर है। तो हेलो, और अभी गाइज मैं आपको अपने आइलैंड पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आपको गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अमेजिंग चीज़ जो कि होने वाला है ऑक्शन फ्लिप गाइज। मैं आपको उस आइलैंड पे ऑक्शन फ्लिप के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले मैं हब के अंदर, तो मैं अब हब के अंदर आ चुका हूँ गाइस, और यहाँ पर मुझे थोड़ी देर वेट करना है, आपको पता ही होगा। और जिसने भी न्यू व्यूअर्स है और उन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दो गाइस। और अब हमें यहाँ पर इसके अंदर आ जाना है, और ऑक्शन एजेंट पे आके मुझे एक राइट क्लिक, फिर क्रिएट ऑक्शन। तो यहाँ पर अभी मेरे तीन बिड जो हैं वो हो चुका है, तो मैं इसे क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्लेम हो चुका है। तो गाइस, मैंने ऑक्शन के अंदर देखा है कि हमारा सबसे बेस्ट जो बिकने वाला आइटम है वो ये दोनों है गाइस, प्रिज्मरीन ब्लेड लिटरली। तो अभी मैं इसको बेच देने वाला हूँ गाइस, जो कि सिर्फ 75K का है। तो यहाँ पर मैं इसे 75K के अंदर मैं इसे 24 आवर्स के लिए क्रिएट बिन ऑक्शन पे मैं लगा देता हूँ। और ऐसे ही मेरे पास एक और है। तो आज ये मैं आपको फुल्ली डिटेल्ड में वीडियो देने वाला हूँ ऑक्शन फ्लिप पे, जिसे देख करके आप भी बोलेगा गाइस कि मैं क्या है, ये तो बवाल ही, ऐसा आप ज़रूर बोलने वाले हो गाइस, क्योंकि ऐसे आज मैं वीडियो ही आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको भी 24 आवर्स के लिए मैं लगा देता हूँ क्रिएट ऑक्शन, डन। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों ऑक्शन लगा दिए हैं गाइज। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस चीज़ को गेन कर सकते हैं, प्रिज्मरीन ब्लेड को। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले मैं अपने आइलैंड पे आपको लेके चलता हूँ। तो चलते हैं अपने आइलैंड पे, और यहाँ पर गाइज वरुषभ गेमिंग यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो बिग शॉट आउट टू यू गाइज, सॉरी गाइज नहीं, बिग शॉट टू वर्षप गेमिंग। और यहाँ पर आप लोग इस मिनियन को देख ही पा रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फिश मिनियन। तो मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे गाइज आपको इसका भी रेसिपी अनलॉक होता है, तो आपको उसी रेसिपी के अंदर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइज, फिर आपको प्रिज्मरीन शॉट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिज्मरीन ब्लेड देखने को मिल रहा होगा, जो कि सिर्फ 25 ही के कलेक्शन लॉक करने पे मिल जाता है, और इसका डैमेज 600 तक का हो सकता है, और 700 भी आ सकता है अगर ये फुल्ली हुआ तो, मतलब फुल्ली इंचांटेड मैच्ड हुआ तब। तो अभी मैं आपको हब के अंदर लेके चलता हूँ गाइस, और वहाँ जा करके मैं आपको इसका ऑक्शन फ्लिप करना बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली आप इसको बिड ऑक्शन में लगाइएगा तो कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, मगर हमें कुछ इसमें ऐसे ऐसे इंचांटमेंट्स लगाने हैं जिससे ये कोई आदमी ख़रीद ले। और कितने न्यू प्लेयर्स के पास गाइस ये नहीं होता है, मतलब एक फ़िश मिनियन नहीं होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, उससे पहले इन सब को मैं बेच देता हूँ। तो ये बिक चुका है, और अभी हमें गाइस इसके लिए हमें वुडन फिशेस में जाना होता है, और यहाँ पर आपको प्रिज्मरीन दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर से एक स्टैक, दो स्टैक, तीन स्टैक, चार स्टैक में ख़रीद लेने वाला हूँ। और फिर आपको गाइस यहाँ पर एक लंबर मर्चेंट देखने को मिल रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करके एक लॉग ही बस मैं ख़रीदने वाला हूँ, क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें क्राफ्टिंग टेबल ओपन करके इस एक ओकुड प्लैंक को हमें इस तरीके से रख कर स्टिक बना लेना है, और अब हमें स्टिक को यहाँ पर रख करके इस प्रिज्मरीन शॉट को इस तरीके से हमें रख लेना है, तो जिससे हमारा प्रिज्मरीन शॉट हमारा बन जाएगा। ऐसे ही मैं इन दोनों के साथ भी करने वाला हूँ, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ। और अब हमें गाइस यहाँ पर ज़रूरत होगा
इंचांटेड ग्रैंड एक्सपीरियंस बॉटल का। तो मेरी इन्वेंट्री में पहले ही से कुछ पड़े हुए होंगे और मुझे कुछ ख़रीदने भी होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 7 ऑलरेडी है, तो मैं थोड़े और ख़रीद लेता हूँ। तो उसमें ऑडिटीज़ में जाना होता है गाइज हमें, और यहाँ पर आपको EXP बॉटल्स देखने को मिल रहा होगा। तो मैं ग्रैंड एक्सपीरियंस बॉटल ख़रीदने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं ख़रीदने वाला हूँ, 16 इनफ होगा मेरे लिए, तो मैं इतना ही ख़रीद लेता हूँ। और यहाँ पर इसको ग्रैपलिंग हुक में आपको दिखा देता हूँ गाइज, जो कि एक भाई ने मुझे फ्री में दे दिया था गिफ्ट के तौर पर, और ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। मैं इससे ईजिली कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, देख ही पा रहे होंगे आप। और इसका भी आप लोग ऑप्शन फ्लिप कर सकते हैं अगर आपको कलेक्शन अनलॉक हो चुका है। मेरा तो अभी नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा गाइस तो मैं आपको इसका भी ऑप्शन फ्लिप करना मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस बॉटल अपने ऊपर इस तरीके से मारना है, फिर आपको इसमें फर्स्ट स्ट्राइक ले लेना है, इस तरीके से आपको फर्स्ट स्ट्राइक लेना है, फिर से एक्सपीरियंस बॉटल, फिर से इस पर जाना है, और इस बार आपको क्रिटिकल में जा करके क्रिटिकल 3 ही बस लेना है। फिर वापस इसको ओपन करके गाइज आपको यहाँ पर इस बार एक टेलीकनीसिस वाली इंचांटमेंट ले लेना है। तो ये गाइज हमारा ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है आपको इसको करने में इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पर आ जाना है ऑक्शन के अंदर, और यहाँ पर मैं वापस एक क्रिएट ऑक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका ड्यूरेशन आवर 24 आवर्स में रखने वाला हूँ, और इसको प्राइस में 75K। मैंने इसे ख़रीदा था लिटरली गाइस, इसका कॉस्ट होगा अगर आप देखें भी तो 8K, और मैं इसे बेचने वाला हूँ अभी 75K में, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरीके से हम इन तीनों को भी सेल करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन जाके सेल कर दूँगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आप लोग न्यू हैं और आपका कोई भी कलेक्शन अनलॉक नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर आकर के सबसे पहले अगर आप टूल्स एंड म्यूज़िक में आके देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे डायमंड स्प्रेडिंग देखने को मिल रहे होंगे, जिसका प्राइस 8,000-9,000 इस तरीके का प्राइस है इसका गाइस। तो आपको इसको बनाने के लिए गाइस डायमंड का कलेक्शन चाहिए होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ माइनिंग में जाके डायमंड के कलेक्शन में। तो इंचांटेड डायमंड बनाने के लिए आपको 1K चाहिए होता है, तो ये बहुत इजीली हो जाता है गाइज अगर आप लोग न्यू प्लेयर और हब में आकर के 10K में भी अगर आप लोग ये किसी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली मिल जाता है। फिर आपको 1000 अनलॉक करके इसको अनलॉक कर लेना है, और मैं आपको इसका क्राफ्टिंग रेसिपी भी दिखा देता हूँ माइनिंग में जा कर के। तो डायमंड स्प्रेडिंग ये वाला है, तो इसका रेसिपी के लिए गाइज आपको ओपन हो जाए, तो यहाँ पर कुछ लैग टाइप हो चुका है, तो यहाँ पर ये ओपन हो गया था, वापस से क्लोज़ हो गया। फिर से मैं रेसिपी बुक में आपको जाकर दिखा देता हूँ, माइनिंग में आना है आपको वापस से, नेक्स्ट पेज डायमंड स्प्रेडिंग पे क्लिक। तो यहाँ पर आपको इसके लिए एक इंचांटेड डायमंड और 8 वाइंस चाहिए होता है, और कितने प्लेयर्स को ये नहीं पता है गाइस कि वाइंस हमें मिलता कहाँ है, तो वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको वाइंस कहाँ पर मिल सकता है। तो वाइंस के लिए गाइस आपको यहाँ पर बिल्डर के पास आना होता है, और बिल्डर के हाउस के अंदर आपको जाना है गाइस, यहाँ पर आप बिल्डर को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ग्रीन थंब में आना है, और यहाँ पर आप वाइंस ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको 8 वाइन ख़रीदना है, और एक डायमंड स्प्रेडिंग जो कि क्राफ्ट हो जाएगा आपको, एक इंचांटेड डायमंड, न्यू प्लेयर है तो आपको उसका रेसिपी अनलॉक करना है और एक इंचांटेड डायमंड बनाना है, या तो आप उसको बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप उसको बाज़ार से ख़रीदिएगा तो 1400 का प्राइस पड़ जाएगा, और अगर आप लोग उसको भी ख़रीदिएगा वाइंस को, तो आपको 2000 में एक डायमंड स्प्रेडिंग पड़ जाएगा। और अगर आप लोग गाइस इसी डायमंड स्प्रेडिंग को बाज़ार के आगे अंदर आ करके 8000 क्वाइंस में बेचते हैं, तो आपको 6000 का मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस, किसी ने मेरा एमरल्ड ब्रेड ख़रीद भी लिया है PIWD, तो थैंक्स ब्रो, आपने मेरा ऑक्शन को ख़रीद लिया। तो यहाँ पर तो वैसे PIWD नाम का कोई प्लेयर दिख नहीं रहा, शहर से ख़रीद के चला गया। तो गाइस मैंने आज आपको इस बारे में बता दिया कि मतलब प्रो प्लेयर या फिर न्यू प्लेयर भी आप लोग कैसे कर सकते हैं। और जो दूसरा ट्रिक है गाइस, वो है एस्पेक्ट ऑफ द एंड का। तो एस्पेक्ट ऑफ द एंड का वैसे तो मैंने बहुत वीडियो में बता रखी है,
और मैं आपको इसका ऑक्शन में भी जाके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको एस्पेक्ट ऑफ द एंड के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर से बैक होना है मेरे को। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्रिएट ऑप्शन में आके देखिएगा तो एस्पेक्ट ऑफ द एंड देखिए 270,000 का है और इसे बनाने के लिए सिर्फ हमें गाइज 160,000 के आसपास हमें प्राइस लगता होगा। तो इससे गाइज हमें सीधे 110,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और नहीं तो गाइज आप लोग मैडक्स बैट फोन भी बेच सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सिंपली आपको वुल्फ वाला जो स्लेयर रेसिपी होता है आपको वो 3 तक का चाहिए होगा तभी आप लोग इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइज मैंने आपको हर टाइप की ऑक्शन फ्लिप के बारे में बता दिया है। और अगर आपको और भी किसी टाइप की ऑक्शन फ्लिप करना है गाइज तो आप लोग ऑक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। जो चीज़ कम रेट में मिल रही है गाइस आपको उसको बाय करना है फिर आपको उसी को महंगे में बेच देना है तो जिससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑक्शन फ्लिप में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो जो ट्रिक मैंने आज आपको बताई उससे आप बहुत मनी कमा सकते हैं डेली का। मैंने लिटरली गाइस एक दिन में 3 मिलियन इसी से कमा लिया था। तो आज की वीडियो लिए थे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।